Assalamualaikum viewers and welcome to my channel Travel Nest Cooking. आज हम आपके लिए एक मज़ेदार किस्म की स्वीट बनाएंगे जो बड़ी ही टेस्टी होती है और आपको बहुत पसंद आएगी. इसका नाम है एप्पल क्रिस्प. आपको बताएंगे कि एप्पल क्रिस्प कैसे बनाते हैं और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बेहतरीन डिशेज आप तक पहुँचती रहें. तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ. ये एप्पल क्रिस्प के लिए आप किसी तरह के भी एप्पल आप यूज़ कर सकते हैं. आप ग्रीन एप्पल आपको अवेलेबल हैं तो ग्रीन यूज़ कर लें. मैं ये गैला एप्पल यूज़ कर रहा हूँ. यहाँ पे ये अच्छे और बेहतरीन जो है स्वीट होते हैं. सबसे पहले इनको पील करेंगे और इनको काट लेंगे. ये टॉप इसका उतार देते हैं और इसको पीलर के साथ पील कर लेते हैं. ये इनको पील करने के बाद ये ऐसे ये चार टुकड़ों में ये काट लें और जो इनका सेंटर पार्ट है ये ऐसे ये निकाल दें. तो ये मैं सारे जो हैं ये एप्पल पहले पील कर लेता हूँ और काट लेता हूँ और फिर आपसे मिलते हैं. ये देखें जी एप्पल मैंने सारे काट लिए हैं. अब इसमें क्या जाएगा, अब मैं थोड़ा सा इसमें तकरीबन आधी टीस्पून जो है ये सिनेमन पाउडर इसमें स्प्रिंकल कर देता हूँ. इसका बेहतरीन किस्म का टेस्ट आएगा इसमें. बगैर सिनेमन के एप्पल क्रिस्प का कोई मज़ा नहीं. और लोग डिफरेंट चीज़ें डालता हूँ. मैं इसमें मेपल सिरप यूज़ कर रहा हूँ. ये देखें ये मेपल सिरप जो है ये थोड़ा सा ये इसके ऊपर डाल देते हैं. तकरीबन 2-3 टेबलस्पून जो है ये मेपल सिरप और इसको एक चम्मच के साथ आप अच्छी तरह से सारा मिक्स कर लेते हैं ताकि सब चीज़ें ये जो सब एप्पल्स को ये जो है सिनेमन और ये जो मेपल सिरप है ये लग जाए. ये अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें ये मिक्स करने के बाद ये अच्छी तरह से ये इनको इवन कर लिया मैंने, लेवल कर लिया. ये इस चीज़ का ख्याल रखें और ये इस चीज़ का ख्याल रखें कि डिश के अंदर ये एप्पल जो हैं ये थोड़ा सा लो हों क्योंकि जब ये पकेगा हीट के अंदर तो इसका सिरप जो है ये बाहर आएगा और ये ना हो कि सारा आपका ओवन ख़राब हो जाए. तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये लो हो जब ये पके, तो इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है. आइए चलते हैं अब इसका जो है इसका क्रम की तरफ, उसका मिक्सचर बनाते हैं और फिर आपको बताते हैं कि बाकी आगे क्या करना है. अब क्रम तैयार करने से पहले इसका हम लोग प्री हीट कर लेते हैं ओवन को 375 पे. ये 375 पे ये प्री हीट कर लेते हैं. तो आइए चलते हैं अब क्रम की तरफ. अब सबसे पहले हम लोग जो है ये मैं अनसॉल्टेड बटर लिया है, इस बटर को मेल्ट कर लेते हैं. ये 4 टेबलस्पून जो है ये हाफ स्टिक जो है ये 4 टेबलस्पून होता है. ये इसमें एक पैन में शामिल कर देते हैं और हल्की आंच पे इसको मेल्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा हम जो है वो ब्राउनिश साइड पे लेके जाएंगे. थोड़ा सा ज़्यादा मेल्ट करेंगे, थोड़ी देर ज़्यादा पकाएंगे, उससे इसमें एक नटी फ्लेवर जो है वो आ जाता है इससे. ये देखिए ये जब मेल्ट होगा तो आप इसकी देखेंगे शक्ल, इसमें बबल आएंगे और एक नटी सा फ्लेवर उससे आ जाता है जब ये ब्राउन होता है. तो अब कर लेते हैं हम बाकी अपनी चीज़ें मिक्स. सबसे पहले इसमें 1 कप जो है हम ऑटमील जो है ये यूज़ करेंगे. ये तकरीबन 1 कप ये पूरा है ये डाल लेते हैं इसको.
और इसमें ये एक कप शुगर, जो ये ब्राउन शुगर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये डालेंगे। और ये जो है ये होल व्हीट जो है, ये फ्लावर हाफ कप जो है ये इसमें यूज़ करेंगे। और इसमें तकरीबन एक पिंच सॉल्ट जो है ना, ये आधी से भी आधी जो है ये टीस्पून, ये थोड़ा सा नमक, और हाफ टीस्पून इसमें सिनेमन ये यूज़ करेंगे। ये बेहतरीन फ्लेवर लेके आएगा। इसको अच्छी तरह से ये सारी चीज़ों को ये मिक्स कर लेते हैं। ये देखें बटर जो है ये बिल्कुल मेल्ट हो गया और ये हल्का सा ब्राउनिश ब्राउनिश हो गया। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसमें। अब ये चूल्हा कर देते हैं ऑफ और ये बटर जो है ये सारा इसमें, ये जो हमने मसाला तैयार किया था इसमें। अब ये सारा जो है चीज़ ये इसके ऊपर हम ये स्प्रेड कर देते हैं। ये देखें ये इसको अच्छी तरह से पूरा इवनली स्प्रेड कर दिया मैंने। अब ये हम अपने प्री हीटेड ओवन में इसको रख देते हैं ये, और 45 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे इसके अंदर। ऊपर वाले लेवल पे रख दिए और अब वेट करेंगे 45 मिनट और फिर आपसे मिलते हैं। ये देखें जी 45 मिनट हो चुके हैं, यह मैंने निकाल लिया। ये बेहतरीन किस्म का एप्पल क्रिस्प रेडी है। अब इसको वेट करेंगे हम तकरीबन 45 मिनट। ये देखें जी अब तकरीबन 45 मिनट गुजर चुके हैं, ये कूल डाउन हो चुकी है ये बिल्कुल। और अब इसको प्लेट में सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये देखें इसके बैटरी नहीं रह गया, अब बेहतरीन जो है ये। जबरदस्त इसका ये बनाया, इसको मैं अब ये देखें इसको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसा बना। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट है, मज़ेदार है बहुत ही। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की किसी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।